फोर्थ जनरेशन है जिसमें कसू 30 भी था जो हमने गिराया था, तो कुछ शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए ये को फिफ्थ जनरेशन तो है नहीं। तो किस तरह ये कहेंगे कि जी रफाल जो है वो हम मुकाबला करने के लिए काफी समझते हैं, किस 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 चीज का मुकाबला आप करना चाहते हैं? और इसको आप ले आए रफाल भी ले आए, मैं तो बहुत पहले से कह चुका हूँ जी कि रफाल आप ले आए, उसको पिच करें GF-17 के खिलाफ, वही होगा जो हमने Su-30 के साथ किया था। तो पब्लिक को खुश करने के लिए कि रफाल होता तो नतीजा और होता, अब आप ले आए रफाल, ये तो जहाज है, साल हर साल लगते हैं इनको सेटल करने के लिए, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं जिसको आप गेम चेंजर कह रहे हैं, और गेम चेंजर तो ये है ही नहीं, ये वही चीज है जो उनके पास पहले है। तो जो हमने Su-30 का हशर किया वो सारी दुनिया ने देख लिया, अब उनके पास सिवाय अपने उन लोगों को जो अनपढ़ है और बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि एक नई उम्मीद लगा दें तो कोई बात नहीं कि अगला फरवरी और उसके बाद फिर और कई फरवरी आने हैं, वो देखते जाएं आप क्या होगा। अच्छा पहले से कह चुका जी शाह लतीफ साहब, ये जब हमने 27 फरवरी किया था फिर खुशियां किस लिए, शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं? कंपेयर करेंगे आप रफाल से और हमारा जो GF-17 है? देखें जी, मैं तो आपको टोटल कंपैरिजन बजाए इसके कि मैं टेक्निकल चीजों में जाऊं, मैं तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं जी। फोर्थ जनरेशन जहाज हैं GF-17 को, बल्कि दुनिया 4.5 जनरेशन कहती है, यानी फोर्थ जनरेशन में भी ये ऊपर वाली ब्रैकेट में इसको माना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, GF-17 जो है ये पूरी दुनिया का कोई भी एयर शो ले लें उसमें इसको बुलाया जाता है और ये असेस होता है और वहाँ इसकी रेटिंग होती है, तो इसलिए ये दुनिया कह रही है, इसीलिए तो हम इसको हर बड़े एयर शो में भेजते हैं कि दुनिया के जितने भी लेटेस्ट जहाज हैं उनके खिलाफ इसको पिच करके इसकी असेसमेंट दुनिया करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया में असेस हुआ है, ये कुछ चाय पिलाने वाले मोदी ने बात ही की कि वो कह दे कि जनाब हम ऊपर हैं और न जाने हम क्या कर लेंगे। मैं आपको इसकी एक एजुकेटेड असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, और जो कुछ हमने अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में कर दिखाया वो दुनिया ने देखा, ये कोई कागजी हमारी असेसमेंट नहीं है। GF-17 का तो नाम ही उस दिन दुनिया को पता चला कि ये पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ जहाज है, इससे कोई इस चीज की तवक्को के अंदर धकेलेंगे या वाकई कोई एज हो जाएगा हासिल उनको, ये कोई जिल्लत और रुसवाई जो इस मरतबा तो नहीं ना, या पहली मरतबा तो नहीं है, वो तो अरसा हो गया सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं जबकि कुछ गोले जो हैं वो तोपों के मारते हैं छोटा मोटा वहां से उठा के जो है डैमेजेस और दुनिया को दिखा देते हैं, फिर दुनिया उन पे लान तान करती है कि इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स तो नहीं होती। तो ना कोई आज तक कोई सर्जिकल स्ट्राइक वो कर सके ना वो कर सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात, आप अगर रफाल ले भी आए हैं, इस तरह के जो जहाज हैं यूरोफाइटर रफाल ग्रिपन ये यूरोपियन जहाज, ये तो आपके तो नहीं है ना, ये तो दुनिया के बनाए हुए हैं, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे GF-17 का जो पाकिस्तान का अपना है? हम जब चाहें जितने बनाएं और बना भी रहे हैं, आप तो फ्लाइंग कॉफिन्स के साथ उड़ रहे हैं, इनको शर्म हया है ही नहीं। अच्छा शाह साहब, एक और बात भी बता दीजिए कि ये कुछ क्या कहना चाहिए, ये मिस एडवेंचर करना चाह रहे हैं 5 अगस्त और 5 अगस्त से पहले कश्मीर तक इनकी तबीयत साफ कर सकते हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल में अव्वल तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, अगर उनको थोड़ा बहुत भी फरवरी याद है तो इसकी उन्हें जरूरत नहीं करनी चाहिए, दुनिया के सामने वो और जलीलो ख्वार होंगे, अपने लोगों के सामने भी जलीलो ख्वार होंगे। उनकी पोजीशन में उनके अपने जो हाईएस्ट लेवल के कमांडर्स हैं वो कह चुके कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से मुकाबला करने के मुकदमे के काबिल नहीं है, तो क्या ये मोदी असेसमेंट करेगा? उसके पास क्या है? उसको तो पता ही नहीं है कि ये स्ट्रेटेजिक इवेंट्स हैं ये क्या होते हैं, असेसमेंट्स कैसे की जाती हैं, किन बेसिस पर असेसमेंट्स की जाती हैं। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ऐसी जरूरत नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स एयर पावर पाकिस्तान की जो है वो तैयार है, मजबूत है, और GF-17 खासकर हमारी जो तैयारी में है, तैयारी जो है उसको उसने बड़ा सहारा दिया है, हमारे कहीं पे भी गैप्स नहीं है, हमें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता कि हमारे ऊपर कोई बंदिशें लग जाएंगी, वो प्रेसलर अमेंडमेंट 90 की दहाई की तरह F-16 पे
अब हमें परवाह नहीं है और ना आप अमेरिका से इस तरह की थ्रेटनिंग लैंग्वेज कभी सुनेंगे। उन्हें भी मालूम है कि उन्होंने अपना F-16 JF-17 की फॉर्म में बना लिया है, अब हम उनको ये थ्रेटन नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें कोई ऐसा खतरा नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान ऐसा करेगा तो मुझे लगता है कि वो दुनिया के सामने मजीद अपनी बेइज्जती करवाएगा। जी चोर साहब, एयर मार्शल साहब ये फरमाएं कि उनका ये जो है कि यानी जैमिंग का जो सिस्टम